Hi friends, how are you? I am Akhilesh Kumar and I welcome to all my viewers. And today video lecture I am going to discuss about high school supplementary reader. The first chapter, you can see the Trim Pop Surgery, which is written by James Herriot, a very beautiful and very inspiring story. To all, let us see the first Class 10 English lesson first, the Trim Pop Surgery Moments supplementary reader के अंतर्गत है. किसके अंतर्गत है? सप्लीमेंट्री के अंतर्गत है ये. सप्लीमेंट्री रीडर. ओके, तो यहाँ हाई स्कूल से संबंधित ये चैप्टर, जिसके सबसे पहले आपको मीनिंग बताऊंगा. मीनिंग देखने के बाद फिर इसकी समरी समझाऊंगा. और समरी जैसे ही आप समझ लेते हैं तो समरी को पढ़ करके, जान करके आप शॉर्ट आंसर और इसके लॉन्ग आंसर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं. तो सबसे पहले इसकी ग्लोसरी देखेंगे. मीनिंग जो खास हैं, जो आपको याद ही करने हैं, वो मैंने पहले से लिख रखे हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे. तो देख लेते हैं. सबसे पहले क्या होता है? ब्लॉटेड, बी एल ओ ए टी ई डी, ब्लॉटेड. स्वॉलन, जिसका मतलब होता है फूला हुआ. आपने देखा होगा गेस्ट हाउस में आप अगर गए होंगे तो वहाँ पे दो हाथी द्वार पे लगा दिए जाते हैं, उनमें हवा भर दी जाती है. तो कैसे होती है? ब्लॉटेड है ना, तो हवा भर दी जाती है, तो वही यहाँ पे है, ब्लॉटेड, फूला हुआ. इसके बाद है रिमी. रिमी का मतलब होता है वाटरी आईज, मतलब पानी से भरी आँखें. आपने देखे होंगे कुछ लोगों की आँखें ऐसी होती हैं मानो कि वो रोए पड़ रही हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है. उनके वो आँखों में ऐसी समस्या होती है, उस वजह से ऐसी आँखों को रिमी आइज बोला जाता है. इसके बाद देखते हैं लोल्ड. तो लोल्ड क्या है? हैंग लूजली, जिसका मतलब होता है लटकना, है ना, लटका हुआ या लटकना. आगे देखते हैं माल्ट, एम ई एल टी. तो माल्ट का मतलब होता है स्टीप्ड ग्रेन, भाप करके जो ग्रेन यानी कि जौ होती है, उसका जौ की जो भाप की जो शराब बनाई जाती है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है. तो माल्ट का मतलब जौ है, जो शराब बास्ते, ठीक है, उसको स्टीम किया जाता है, स्टीप्ड जौ. आगे देखते हैं लंबेगो. तो यहाँ देखते हैं लंबेगो क्या है? तो मैस्कुलर पेन होता है, मांसपेशियों का एक प्रकार से दर्द होता है. और इसके बाद आगे देखते हैं सेट ऑफ. तो सेट ऑफ क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है एक प्रकार से. सेट ऑफ का मतलब होता है गो या प्रस्थान करना. इसके बाद है ड्रूपिंग. ड्रूपिंग का मतलब होता है हैंगिंग डाउन, जिसका मतलब है लटकना. और इसके बाद है बाउट्स. तो बाउट्स का मतलब होता है इन रिपीटेशन, माने बाई एंड बाई, अगेन एंड अगेन, यू कैन से इन रिपीटेशन, माने बार बार. और इसके बाद देखते हैं हार्डनेस. तो हार्डनेस का मतलब होता है सील्ड, जिसको कवर बोलते हैं, कवच, जिसको हिंदी बोला जाता है कवच. और इसके बाद देखते हैं सोल्ड. तो सोल्ड का मतलब यहाँ पे हो जाता है अनकॉन्शस, बेहोश होना. और इसके बाद है विम्पर. तो विम्पर का मतलब है स्लो वॉइस. विम्पर का मतलब है स्लो वॉइस, बहुत धीमी आवाज. तो होता है विम्पर मीन्स स्लो वॉइस. और इसके बाद है स्क्रिमेज. स्क्रिमेज का मतलब होता है क्वारल, झगड़ा. और इसके बाद देखते हैं स्क्वैश्ड. स्क्वैश्ड का मतलब एकदम निचो, स्क्वीज, निचोड़ना या पिचकाना. और इसके बाद है कॉन्वालेसेंस. कॉन्वालेसेंसिंग, इसका मतलब है रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना. और इसके बाद है सस्टेन, जहाँ इसका मतलब है टू नरिश, शक्ति देना. और इसके बाद है टेम्पटेशन. टेम्पटेशन का मतलब है यहाँ पे डीप विश, गहरी इच्छा होना. और इसके बाद है साफर. साफर का मतलब होता है ड्राइवर या वाहन चालक. ओके, और कभी कभी इसको कंडक्टर को भी बोल दिया जाता है साफर, परिचालक, दोनों होता है. इसके बाद है कलैप्स्ड. तो कलैप्स का मतलब है यहाँ पे टाइट, ये बांधना. इसके बाद है लिथ. लिथ का मतलब है फ्लेक्सिबल, लचीला. और इसके बाद अगला मीनिंग है बाउंस. बाउंस का मतलब लिप्स या छलांग है. ओके, अब इसके बाद इसकी देखेंगे समरी. क्या देखेंगे? समरी ऑफ द लेसन. तो यहां देखते हैं
समरी ऑफ द लेसन देते हैं। इसमें है क्या, इसमें एक प्रकार का व्यंग किया गया है कि ज्यादा लव, ज्यादा केयरनेस व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। तो यहाँ जेम्स हेडर जी ने बताया है कि हमें ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भोजन करेंगे, ज़्यादा सोएंगे तो हमारे जो शरीर है वो एकदम से फूल जाएगा, ब्लॉटेड हो जाएगा और हम किसी काम के नहीं रहेंगे, है ना। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि इसी प्रकार से यहाँ पे जो थ्री करेक्टर हैं, थ्री करेक्टर कौन से हैं वो देख लेते हैं लेसन के अंतर्गत। एक तो कौन है, मैसेज, पैंथरे हैं, टर्की है जो कि डॉग है, और इसके बाद डॉक्टर हैरियट है। ये तीन डायरेक्टर हैं। तो मिसेज पैंफरे का जो लाड़ प्यार है अपने टर्की डॉग पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसको खिलाती पिलाती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खाता पीता, वो बहुत ग्रीड हो गया है खाने पीने का, बहुत ही हर समय खाता रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आई कि वो बीमार पड़ गया। अब जब बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसकी मदद करते हैं। ये डॉक्टर कौन है, ये पशु चिकित्सक हैं, वेटरिनरी डॉक्टर हैं। तो यहां देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, ये समरी आप टू दी पॉइंट समझ लें इसको, इसके बाद फिर आप पूरी समरी जान जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, टर्की लुक्स इल, टर्की जो है वो बीमार हो जाता है, यहीं से शुरुआत होती है लेसन की। बीमार हो जाता है टर्की क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। और ये लेसन को ये भी सीख देता है कि ज़्यादा लाड़ प्यार, ज़्यादा केयर भी बच्चे को बर्बाद कर देती है। कभी कभी बच्चे को कठिनाई का भी सामना करना चाहिए ताकि वो आगे आकर के उन परिस्थितियों का फेस सामना कर सके, फेस कर सके। तो यहाँ देखते हैं टर्की लुक्स इल, टर्की बीमार हो जाता है। फिर क्या होता है, डॉक्टर जेम्स इंक्वायरीज अबाउट टर्की, जो डॉक्टर जेम्स हैं अब वो टर्की की हालत के बारे में जानकारी करते हैं, पूछताछ करते हैं। इसके बाद क्या है, डॉक्टर जेम्स एडवाइस, डॉक्टर जेम्स हैं वो एडवाइस देते हैं मिसेस पैंफरे को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, है ना। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर जेम्स रिसीव्स ए मैसेज फ्रॉम मिसेस पैंफरे, लेकिन स्थिति उसकी बिगड़ जाती है, वो एडवाइस काम नहीं करती है। तो जब डॉक्टर को फिर एक रिसीव मैसेज रिसीव होता है, डॉक्टर जेम्स रिसीव्स ए मैसेज, एक मैसेज प्राप्त करते हैं फ्रॉम मिसेस पैंफरे, जो कि मिसेस पैंफरे ने भेजा हुआ होता है। इसके बाद देखते हैं टर्की फेयरवेल, फिर क्या होता है, टर्की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मिसेस पैंफरे सोचते हैं कि अब ये घर में ठीक नहीं हो सकता है, अब इसको बाहर ही कहीं डॉक्टर की क्लिनिक में या सर्जरी में 15 दिन तक कम से कम रखना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो पाएगा, न था ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सूचना डॉक्टर साहब को मिलती है। अब क्या होता है, टर्की फेयरवेल, जब डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर उसको देखते हैं तो उनको भी लगता है कि हमें लगता है कि अब यहाँ नहीं ठीक हो सकता है, इसको भर्ती ही करना पड़ेगा। तो टर्की का फेयरवेल होता है, टर्की को विदा किया जाता है। और मिसेज पैंफरे हैं और उनके जो मालिक मालकिन हैं वो भी काफ़ी दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उसकी विदाई हो रही है, वो 15 दिन के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, तो सारे ही बहुत दुखी हैं, यहाँ तक कि उनके आँखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं और एकदम से मिसेज पैंफरे तो एकदम रोए जा रही हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए कि मेरा कुत्ता जो है संसार से छोड़ के चला ही न जाए। ओके, तो टर्की फेयरवेल हो गया। आगे देखते हैं टर्की स्टे एंड रिकवरी एट द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर जो जेम्स हैरियट हैं वो 15 दिन के लिए उस टर्की को अपने चिकित्सालय में रखते हैं, अपने सर्जरी में रखते हैं। और वो भी जानते हैं कि टर्की को कोई बीमारी नहीं है, तो वो बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के टर्की को बिना दवाई के ही ठीक करते हैं। और वो उन टर्की को भोजन नहीं देते हैं 2 दिन तक, और इसके बाद फिर अन्य कुत्तों को
खाते हुए चूँकि देखता है तो दूसरे दिन उसका भी मन करता है कि वो भी कुछ खाए, तो बाद में उसको पानी ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, भोजन नहीं दिया जाता है। इस प्रकार धीरे 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 और ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यायाम करवाते हैं और ऐसी क्रिया करते करते चूँकि जो है उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार होता है। तो 15 दिन तक डॉक्टर साहब ने ऐसे ही किया और ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करवाया, क्योंकि व्यायाम शरीर को मजबूत करता है, बीमारियों से बचाता है ना। तो ट्रिक इज स्टे एंड रिकवरी एट द हॉस्पिटल, ये वाला दृश्य होता है। फिर क्या होता है, मिसेज पैम्फ्रेज कंसर्न, उस दौरान जो मिसेज पैम्फ्रे हैं वो अपने डॉग ट्रिकी के लिए बहुत व्याकुल हैं, क्योंकि 15 दिन का सेपरेशन हो गया है, उनको बहुत चिंता है, बार बार फ़ोन करके पूछती हैं हालचाल कि मेरा डॉग कैसे है, कैसे खा पी रहा है, कैसी स्थिति है। तो डॉक्टर बताते हैं तो मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी 15 दिन का समय बहुत होता है, एक फॉर्टनाइट होता है ना। तो उस 15 दिन के पखवाड़े में वो बीच बीच में डॉक्टर से परामर्श करती रहती हैं और ट्रिकी के बारे में लगातार जानकारी प्राप्त करती रहती हैं, जैसा कि उनको पहले बता दिया गया होता है कि वो ट्रिकी अब खतरे से बाहर है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दृश्य होता है और इसके बाद फिर ट्रिकी अंततः ठीक हो जाता है। तो ट्रिकी गोज होम, फिर जो डॉक्टर फोन वो मिसेज पैम्फ्रे जो फ़ोन करती हैं, 15 दिन का टाइम जब पूरा हो जाता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि हाँ भाई ट्रिकी अब खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक है, अब आप चाहो तो घर ले जा सकती हो। तो एक आधे घंटे के अंदर ही वो सर्जरी पहुँच जाती हैं, वहाँ जा कर के तुरंत उस कुत्ते को प्राप्त करती हैं, अपने ट्रिकी को प्राप्त करती हैं। और आप जानते हैं कि डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है ना। तो जैसे अपने मालिक उनको देखता है तो वो तुरंत उसकी गोद में उछल पड़ता है और एकदम से चाटने लगता है और ठीक होकर के घर वापस आता है। तो मिसेज पैम्फ्रे कहती हैं कि वास्तव में आट्रियम पॉप सर्जरी वास्तव में एक ट्रिम हुई है, ट्रिम की विजय ऑफ सर्जरी है ना, वास्तव में ये सर्जरी की विजय है कि बिना सर्जरी किए हुए है ना बिल्कुल ठीक कर दिया, बिना दवाई के सब कुछ ठीक कर दिया। तो यही इसकी मेन थीम है, मेन समरी है। आशा करते हैं आप शायद आपको ये पसंद आई होगी। और इसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो शॉर्ट आंसर जो बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो मैं देने वाला हूँ, और इसके बाद इसका एक लॉन्ग आंसर बताएंगे, और इसके बाद फिर इसके जो MCQs बेस्ड होंगे कुछ प्रश्न हैं तो उनको भी बता देते हैं, ताकि आपको एक जगह ही सब कुछ मिल जाए। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर इसके, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर है, उन्हीं को लिया गया है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया है। और आशा करते हैं कि हर परीक्षा में जब भी परीक्षा हाई स्कूल बोर्ड की होगी तो आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मिसेज पैम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेज पैम्फ्रे हैं वो ट्रिकी के प्रति क्यों ज़्यादा चिंतित हैं। तो आंसर देखेंगे, मिसेज पैम्फ्रे इज वरीड, मिसेज पैम्फ्रे बहुत चिंतित हैं अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है, सी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इश्यू। तो सी फील्स वो महसूस करती हैं दैट की ही इज सफरिंग, वह पीड़ित है फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू, कि उसका जो हेल्थ है वो हेल्थ इशू है वो बहुत गंभीर है, सच एज माल न्यूट्रिशन, उसका मेन कारण कुपोषण है, सो ही लुक्स डल, इस वजह से वो कैसा दिखता है, नीरस दिखता है एंड सीरियस और बहुत गंभीर दिखता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, ही आया है डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर उस ट्रिकी को कैसे ठीक करता है। तो यहाँ देखेंगे जेम्स हैरियट जो कि डॉक्टर है ट्रीट्स ट्रिकी का इलाज करते हैं बाय लेसिंग ओवर वेट ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का वजन जो है बहुत ज़्यादा चर्बी है उसके शरीर में, तो डॉक्टर जो है सबसे पहले उसकी चर्बी को कम करते हैं, कहने का तात्पर्य है उसको भोजन कम करवाते हैं, पानी ज़्यादा देते हैं, तो उसका जो वेट है उसको कम करते हैं वो। ही कट्स डाउन हिज फूड, वो जो है उसके भोजन में कटौती करते हैं, हिज फूड एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, और अपनी बहुत
कठोर निरीक्षण में रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं फॉर द एंशियंट डेज, शुरुआती दिनों में, मतलब डॉक्टर अपनी देखरेख में उसको बड़ी कठोरता से रखते हैं। एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ही गिव्स प्लेंटी ऑफ वाटर, अधिक मात्रा में डॉक्टर क्या देते हैं, पानी देते हैं उसको। नॉट फूड, भोजन नहीं। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस ट्रकी फूड, धीरे धीरे वो ट्रकी का भोजन बढ़ाते हैं। एंड सेट्स हिम फ्री, और उसको स्वतंत्र कर देते थे फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने के लिए। टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, ताकि वो अपने हेल्थ को मजबूत कर सके, ताकि वो हेल्थ में सुधार कर सके, व्यायाम करने के वास्ते, खेलने के वास्ते उसको छोड़ देते थे। आगे देखते हैं, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, व्हाट डज सी आया है मैसेज पैंपरे के लिए, वो क्या करती हैं टू डू हेल्प हिम, उसको ठीक करने के लिए श्रीमती जो पैंपरे हैं वो क्या करती हैं, तो यहाँ देखते हैं टू हेल्प टकी, टकी की मदद करने के लिए। एंड टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, और उसकी कंडीशन को ठीक करने के लिए मिसेज पैम्फरे स्टार्ट कर देती हैं गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड, वो उसको एक्स्ट्रा भोजन देना चालू कर देती हैं, लाइक माल्ट, माल्ट मीन्स होता है जौ की शराब, ठीक है, कोड लिवर ऑयल, मछली की लीवर का तेल। एंड हॉर्लिक्स एक कटोरा भर के देती थी। बिटवीन हिज मेन मील, दो भोजन के मध्य में ये भी दे देती थी उसको। सी आल्सो गिव्स हिम स्वीट लाइक क्रीम्स, और क्या देती थी, सी आल्सो गिव्स, वो देती हैं हिम उसे स्वीट माने मिठाई भी देती हैं, लाइक क्रीम केक्स, जिस प्रकार से क्रीम केक होता है मीठा। एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स भी प्रदान करते हैं उसको, है ना। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है, तो व्हाट डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, जो इस स्टोरी में आई जो है वो किसके लिए रिफर किया गया है। तो यहाँ देखते हैं, आई रिफर टू द नरेटर, नरेटर्स को रिफर करता है, डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं, अ वेटरनरी, एक पशु चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, हु गाइड्स, जो गाइड्स करते हैं मिसेज पैम्फरे को बताते हैं, इन टेकिंग केयर ऑफ हर डॉग टकी, जो मिसेज पैम्फरे को उनके कुत्ते के बारे में देख रेख करने का तरीके के बारे में बताते हैं। और आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रियल डिजीज दैट टर्की वाज सफरिंग फ्रॉम, वो कौन सी बीमारी थी जिससे टर्की पीड़ित था। तो देखते हैं, डॉक्टर डॉक्टर हैरियट डायग्नोस्ड, डॉक्टर हैरियट है वो डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं दैट की द ओनली फॉल्ट, सबसे फॉल्ट क्या थी, वो केवल फॉल्ट क्या थी, और ट्रकी की फॉर हिज हेल्थ, जो कि उसका हेल्थ इशू का कारण बना, हेल्थ कंडीशन, वाज हिज ग्रीड फॉर फूड, यही मेन समस्या थी कि उसका भोजन के प्रति बहुत लालच था, और इसी वजह से उसको ऐसी बीमारी लग गई। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ इसका देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इस प्रकार से उसको देख करके आप लिख सकते हैं, और उसके बाद ये यहीं तक समाप्त हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहाँ पर देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो हु वाज टकी, तो ये डॉग है यहाँ पे, हाउ डिड ही लुक, तो हो जाएगा वेरी फैटी लाइक ए ब्लॉटेड स्यूसेस, एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव, तो नो फूड फॉर टू डेज, व्हाट वाज टकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, तो वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। ओके, तो इसमें जो सही आंसर है उस पर टिक कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं, हु वाज मिसेज पैम्फरे, तो द मिस्ट्रेस थिंग मिसेज पैम्फरे वाज ही, तो रिच लेडी
नंबर सेवन देखते हैं, द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट टर्की वाज तो हो जाएगा अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। और इधर देखेंगे द नरेटर वाज एंड तो हो जाएगा वेटरनरी सर्जन। नंबर नाइन देखते हैं, फॉर हाउ मैनी डेज टर्की वाज नॉट गिवन एनी एटिबल तो दो दिनों तक नहीं दिया गया था। और आगे देखते हैं, सफ़र मीन्स तो हो जाएगा ड्राइवर। ओके, यहाँ पे इसके देखते हैं ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिए हैं, इसको देख करके आप कर सकते हैं। और इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग देखते हैं इसकी। और उसके बाद देखते हैं लिस्टलेस है, जिसका मतलब होता है दुखी परेशान। इसका रिफ्यूज है, प्लेंटी है, टोटर है, कमी टेबल है, कॉन्वालिसेंट है, अकेजन है, थ्री टेन है, इसके बाद है मेडल है, और इसके बाद है हल्किंग, जिसका मतलब होता है बेक। तो यहाँ पे इसको पूरा कर दिया गया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, इस कामना के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।